Dear student, yesterday we left our topic that types of asexual reproduction. Yesterday we discussed about the fission. First type of asexual reproduction is fission. This fission is further divided into three parts: binary fission, multiple fission, and plasmotomy. Got this point? In binary, body divided into two equal parts; in multiple, many; or in plasmotomy, it occur in syncytial condition, that is multinucleate condition. Today we will discuss the second type of asexual reproduction. This is called spore formation, called spore formation. It is also called sporulation. Spore formation is called sporulation. What is spore formation? It is sporulation. It is said that spores are minute, matlab chote, and thin walled. Spores are minute and thin walled. These are minute and thin walled, जो कि dual function करते हैं dispersal and formation of new individual. ये spores इतने minute हैं कि ये एक place से दूसरे place पर क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं, और dispersal कहते हैं इसको. और जब ये dispersed होते हैं, इनको favorable condition मिलती है, तो it again convert into a new individual. So this is the characteristics features of Monera, Protista, fungi and algae. क्या कहता है, फिर से रिपीट कर रही हूं. जो स्पोर्स फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन. स्पोर्स माइन्यूट होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं, डिस्पर्सल और इंडिविजुअल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ये स्पोर्स जनरली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी ग्रुप में क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते होते हैं. दूसरे क्या कहता है, मैंने आपको शायद प्लस वन में भी बताया था कि जो जू स्पोर्स, दीज आर द ओनली मोटाइल स्पोर. ये स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल. अब बात आ गई मोटाइल क्या होते हैं. इनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं जो इनको मूवमेंट के अंदर हेल्प करते होते हैं. तो ओनली जू स्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर्स विच मूव्स और विच डिस्पर्स्ड. और non-motile spores are also known by different names. For example, aplanospore, kynetes, akynetes, conidia, etc. अलग अलग नाम है नॉन मोटाइल के. एल्गी में अलग नाम से बोल देते हैं, फंजाई में अलग नाम से बोल देते हैं. तो जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. एक प्रॉपर्टी और है, स्पोर्स किसी भी सरफेस के बाहर भी ग्रो हो सकते हैं और किसी भी सरफेस के अंदर भी ग्रो हो सकते हैं. तो वो स्पोर्स जो बाहर ग्रो हो रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एक्सोजीनियसली. क्या नाम देंगे इसको, एक्सोजीनियसली, जो बाहर की तरफ ग्रो हो रहे हैं. और वो स्पोर जो अंदर ग्रो होते हैं, उन्हें हम नाम दे देंगे एंडोजीनियसली. अब इसका एग्जांपल क्या है, जो स्पोर्स एक्सोजीनियसली ग्रो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोनिडिया इन पेनिसिलियम, ये इस तरीके से ग्रो होते हैं. बाहर एक चेन की फॉर्मेशन में ये चलते चले जाते हैं. तो जो एक्सोजीनियसली होते हैं वो कौन से होते हैं, कोनिडिया होते हैं. और जो एंडोजीनियसली होते हैं वो अंदर की तरफ बनते होते हैं, जैसे कि स्पोरेंजियो स्पोर्स इन राइजोपस. राइजोपस भी क्या है, एक फंगस है. स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, राइजोपस के अंदर होते हैं. थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन.
थर्ड टाइप क्या है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन को सिंपल में देखें तो टू ब्रेक मतलब टूटना, क्या बोल देंगे इसको हम, टूटने का नाम देते हैं। कोई भी एक पेरेंट बॉडी है वो टू और मोर पीसीज के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ये दो या तीन पार्ट में डिवाइड हो गई और ये हर पार्ट क्या काम करता है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। तो अगर दो पार्ट में हो रही है तो ये टूट जाएगा, कई सारे पार्ट्स में हो रहा है तो भी ये क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। अब बच्चे क्वेश्चन अराइज करेंगे कि मैडम फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस हुआ। जनरली जो फ्यूजन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और जो फ्रेगमेंटेशन है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म किया जाता होता है। तो ये क्या कहता है, जनरली जो फंजाइस है वो भी किसकी वजह से रिप्रोडक्शन करती है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से रिप्रोडक्शन करती होती है। मार्केशिया में भी होता है, रिक्सिया में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है। तो वहां पर बॉडी है वो दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और जो हर पार्ट्स है वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल का काम करता होता है। तो फ्यूजन किस में होता है, यूनिसेलुलर में, और फ्रेगमेंटेशन किस में हो जाता है, मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट टाइप आता है रीजनरेशन। देखो री मतलब दोबारा और जनरेशन मतलब पार्ट का डेवलप होना। ये पावर ऑफ रीजनरेशन हमारे लीवर में भी होती है, कुछ हद तक हमारी स्किन में भी होती है। आपने देखा होगा किसी का लीवर डैमेज हो जाता है तो उसको हम एक पोर्शन देते हैं, वो फिर से फुली ग्रोन हो जाता है। स्किन है कहीं पर भी कट होता है वो थोड़े समय के बाद वापस से हीलिंग कर लेती है और एक फिर से प्लेन और स्मूथ सरफेस की फॉर्मेशन करती होती है। तो रीजनरेशन क्या कहता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर कोई पार्ट रिपेयर हो जाता है या कोई पार्ट है वो टूट जाता है, वापिस से नया इंडिविजुअल बना ले है। तो जो रीजनरेशन है ये रिन्यूएबल रिस्टोरेशन ग्रोथ इन सब का एक प्रोसेस है जो कि किसी भी डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है या किसी फ्रेगमेंटेड पार्ट से नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। ये किसी भी लेवल तक है, सेल टिश्यू और ऑर्गन लेवल तक कंप्लीट किया जाता है। मतलब सेल में भी रीजनरेशन हो सकती है, टिश्यू में भी रीजनरेशन हो सकती है और ऑर्गन के अंदर भी रीजनरेशन हो सकती होती है। एक इम्पोर्टेंट बात कुछ टर्म्स बता रही हूँ, मोर्फेलेक्सिस। ये क्या कहता है, रीजनरेशन ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम ए फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट से पूरी नई की नई बॉडी का बन जाना। ये क्या कहता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मोर्फेलेक्सिस। लेकिन याद रखना बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही जो स्लो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लो कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म है, लो ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल है, उसी में ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता होता है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, मोर्फेलेक्सिस। मतलब जो लोअर ऑर्गेनाइज है, जो सिंपल है, जिनके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर जो एक छोटा फ्रेगमेंट है वो भी एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, मोर्फेलेक्सिस का नाम देते होते हैं। अब कहता है जो हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं कुछ लिमिटेड पार्ट अगर रिपेयर हो रहा है, कुछ लिमिटेड पार्ट मतलब थोड़ा सा, कुछ थोड़ा मोटा कट हो गया वो दोबारा से आ गया, डेट इज एपिमोर्फोसिस, कॉल्ड एपिमोर्फोसिस। अगर डैमेज टिश्यू रिपेयर हो रहे हैं डेट इज कॉल्ड रिपेरेटिव, और अगर कई सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं तो रेस्टोरेटिव। सॉरी हायर ऑर्गेनिज्म में अगर लिमिटेड पार्ट डेवलप हो रहा है इट इज कॉल्ड एपिमोर्फोसिस, कोई टिश्यू तक डेवलपमेंट हो रही है तो रिपेरेटिव, और अगर सीवर्ड बॉडी पार्ट जैसे किसी छिपकली की पूंछ कट गई उसका वापस डेवलपमेंट होना, जो लीवर है डैमेज्ड उसका डेवलपमेंट होना, तो जो सीवर्ड बॉडी पार्ट है उनका डेवलपमेंट हो रहा है इट इज कॉल्ड रेस्टोरेटिव।
क्या नाम दे देंगे, रेस्टोरेटिव, मतलब कि हायर ऑर्गेनिज्म में कुछ लिमिटेड पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, एपिमोर्फोसिस टिश्यू तक है तो रेपरेटिव, और जो सीवर्ड बॉडी पार्ट है जैसे टेल इन लिजर्ड द ह्यूमन बींग लीवर, दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड रेस्टोरेटिव। नेक्स्ट आता है बडिंग। देखो एक चीज समझना, बडिंग और टोरुलेशन एक ही चीज है, फर्क क्या है, बडिंग मल्टीसेलुलर, और अगर वही बडिंग यूनिसेलुलर में हो रही है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, टोरुलेशन का नाम देते होते हैं। ये पॉइंट याद रखना बेटा, बडिंग मल्टीसेलुलर और अगर बडिंग यूनिसेलुलर में हो रही है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, टोरुलेशन का नाम दे देते हैं। बडिंग में क्या होता है, सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसके ऊपर एक आउटर कॉस्ट ये डेवलप हुआ, ये पार्ट धीरे धीरे यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और एक नया डेवलप कर लेगा लाइक दिस। Sometimes these parts do not separate and form a chain-like structure. This condition is called torula. मतलब जो complicated budding है या complicated जो budded है उसको हम क्या नाम दे देंगे, torula का नाम देते होते हैं। तो ये क्या कहता है, generally किस में होती है, yeast में, किस में perform होती है, yeast में। यीस्ट क्या एक यूनिसेलुलर फंगस होती है, तो ये क्या कहता है कि अगर बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो उसको क्या नाम दे देंगे, टोरुलेशन, मल्टीसेलुलर में है तो बडिंग। कई बार ये बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं हो पाता, अलग नहीं होता, एंड इट कंटिन्यू ग्रोज इन अ चेन फॉर्मेशन। दिस कंडीशन और दिस कॉम्प्लेक्स बडिड कंडीशन इज कॉल्ड टोरुला एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोरुलेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये बडिंग दो प्रकार से होती है, एक होती है एक्सोजीनियस बडिंग जो बॉडी के ऊपर हो रही है, बाहर हो रही है, और एक बडिंग होती है एंडोजीनियस। एक बडिंग कौन सी हो जाएगी, एंडोजीनियस, और एक बडिंग कौन सी होती है, एक्सोजीनियस। ये हाइड्रा में होती है और ये होती है स्पंजेस। देखो ये कोई भी एक बॉडी हाइड्रा है, सपोज करो इसके यहां पर एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप हुआ, ये आउटग्रोथ आगे मूव करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, और जब एक ये फुली ग्रोन हो जाता है, ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा की फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड द एक्सोजीनियस बडिंग, मतलब कि पेरेंट बॉडी पे छोटी बडिंग होगी, धीरे धीरे फुली ग्रोन होगी, जब वो मैच्योर हो जाती है पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और किसी भी सबस्टेटम पे फॉल होकर एक नया क्या डेवलप करेगी, हाइड्रा। एक्सोजीनियस जो बडिंग होती है वो मैंने अभी अभी बताया किसके अंदर परफॉर्म की जाती है, स्पंजिस में। किसमें परफॉर्म की जाती है, स्पंजिस के अंदर परफॉर्म की जाती होती है। ये क्या कहता है कि इन स्पंजिस में, जैसे ये क्या है इसका माइक्रोपाइल, ऐसे ये पूरी बॉडी के अंदर ये इनर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है, ये ओपनिंग है, जो फुली ग्रोन जो सेल्स हो जाती हैं वो यहां से बाहर निकलती हैं, और जो ये होती हैं
इसको हम नाम देते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं आर्कियोसाइट सेल्स। अभी बताती हूँ क्या होती है, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। यहाँ बडिंग बॉडी के अंदर हो रही है, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सोजीनियस होते हैं। इसके अंदर जो स्पंजीज होते हैं, इसके अंदर इंटरनल बर्ड्स होती हैं, उन इंटरनल बर्ड्स को हम नाम देते हैं गैम्यूल्स। क्या नाम दे देते हैं? गैम्यूल्स का नाम देते हैं। और ये जो गैम्यूल्स होते हैं ये टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट का मतलब इन सेल्स में पावर ऑफ डिविजन्स होती हैं और कोई भी बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी ऑर्गन डेवलप कर सकती हैं। तो जो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं उनका बना हुआ होता है ये गैम्यूल, और उन टोटिपोटेंट सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? आर्कियोसाइट सेल्स। क्या नाम देते हैं? आर्कियोसाइट सेल्स। ये आर्कियोसाइट सेल्स कई सारे स्पीक्यूल्स से क्या होती हैं? कवर्ड होती हैं। और जब ये फुली मैच्योर हो जाती हैं, ये माइक्रोपाइल ओपनिंग ब्रस्ट होती हैं, ये सारी की सारी सेल्स क्या हो जाती हैं? बाहर चली जाती हैं। और किस में हेल्प करती हैं? डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं, और एक नया क्या बनाती हैं? स्पंजिस बनाती होती है। आई बात समझ में? तो एक्सोजीनियस बडिंग किसके अंदर हो गई आपकी? हाइड्राम के अंदर हो जाती है। और जो एंडोजीनियस होती है, एंडोजीनियस जो होती है वो किसके अंदर हो जाती है? स्पंजिस के अंदर हो जाती है। मतलब कि जो बॉडी के अंदर बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, कई सारी गैम्यूल होते हैं, ये गैम्यूल टोटिपोटेंट सेल्स आर्कियोसाइट्स के होते हैं। और जब ये फुली ग्रोथ हो जाती है, माइक्रोपाइल सेल्स से कहां चले जाते हैं? बाहर, और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल का काम करते होते हैं। देखो बाइनरी फ्यूजन और बडिंग, इनमें भी बहुत डिफरेंस है। बाइनरी फ्यूजन में अगर कोई पेरेंट डिवाइड हो रहा है तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, जबकि बाइनरी फ्यूजन में डिवीजन, बडिंग में डिवीजन हमेशा कैसा होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। इसके अंदर बॉडी के ऊपर कोई आउटग्रोथ फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि बडिंग के अंदर बॉडी में क्या होती है? आउटग्रोथ होती है। यहाँ न्यूक्लियस पहले डिवीजन करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। इसमें क्या कहता है कि जो साइटोप्लाज्म है आउटग्रोथ करता है, उसके बाद किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यहाँ पेरेंट सेल डिसअपियर हो जाती है, यहाँ पेरेंट सेल एज इट इज रहती है। जैसे यहाँ पर अमीबा, अमीबा ने डिवीजन करा, दो इक्वल बन गए, एज इट इज ही इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब यहाँ पर एक ग्रोथ आउटग्रोथ आ रही है, ये इससे डिटैच होकर दो एक नया इंडिविजुअल बनाता है, तो पेरेंट एज इट इज रहता है, और जो यहाँ पेरेंट है ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल था, रैपिड मोड होता है, जल्दी से हो जाता है, क्यूकर है, एग्जैक्ट इंडिविजुअल फॉर्मेशन होती है, कार्बन कॉपीज, सिंपलर होता है, डिसएडवांटेजेस और समझते हैं आज, इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बनते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ओवर क्राउडिंग, मतलब कि स्पेस नहीं बचता, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कोई नए वेरिएशन प्रोड्यूस्ड नहीं होते हैं, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर जब कोई नया करेक्टर ही नहीं आ रहा, कुछ वेरिएशन ही नहीं आ रहा, तो स्पीसीज में इवोल्यूशन भी नहीं होता, मतलब कि सिंपल से कोई कॉम्प्लेक्स स्पीसीज फॉर्मेशन नहीं होती है। तो कल हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर टूडेज दिस टॉपिक इज सफिशियंट। सॉल्व द एनसीईआरटी इन बिटवीन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। थैंक यू।